आदाब नाजरीन, A1 टीवी के स्टूडियो में आज एक ऐसे नौजवान आए मोहम्मद रफी, जिनको कौन नहीं जानता। जैसा कि आप जानते हैं, JBV JDS में आजकल कई नौजवान आए हैं, इनका नाम भी सैर फहरिस्त हमेशा आता है। एरमरस कैंप मोहम्मद रफी के नाम से अक्सर इन्हें लोग जानते हैं, कई सोशल एक्टिविटीज में वो हमेशा नजर आते। आइए, आज ये जातेतिका जनता दड़ा यानी JDS कुलर पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। किस वजह से ये इस्तीफा दे रहे हैं, क्या इनको दुश्वारियां हो रही है पार्टी में, आइए मैं उन्हीं की जबानी आपका रहा। सबसे पहले तो रफी भाई, A1 टीवी स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। सबसे खास बात ये, इलेक्शन में कई लोग अपनी पार्टी में जो सीनियर होते हैं, वो लोग अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं और दूसरी पार्टी से आए लोगों को और जो दूसरे वर्कर होते हैं उनको पार्टी में ज्वाइन कराते। इस आईन मौके पर आप पार्टी को छोड़ने की कोई खास, मेरी पार्टी छोड़ने की खास 2010 में हमारे शेख रिजवान साहब मरहूम JDS मैंने वेस्ट का अहदा दिए थे मेरे को, यानी आप 2010 में रिजवान साहब के हाथों पर JDS ज्वाइन। जी बिल्कुल, तो उस तारीख से लेकर अब तक मैं JDS पार्टी में हूँ। क्या सब खूब, मैं पार्टी के वास्ते खूब मेहनत प्रयास हूँ। 2018 का जो इलेक्शन था ML इलेक्शन, हाईएस्ट वार्ड हमारे वार्ड में वोट गिरे हुए, आप देख सकते हैं मैं सही बोलूँ या झूठ बोलूँ। यानी रायचूर शहर में JDS पार्टी को एरमरस कैंप में ज्यादा वोट, 33 वार्ड में, वार्ड नंबर 33 हमारा, वार्ड नंबर 33 में हाईएस्ट वोट डाला है हम JDS पार्टी के। बावजूद भी हमारे को पार्टी में है ना कोई ऐसा एक बड़ा पोजिशन नहीं है हमारे। फिलहाल आपका क्या होता? मैंने जी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हूँ JDS। हमारे को जब भी रैलियां रहते, जब भी कोई बड़ा लीडर आता, जब भी हमारे को याद करते पार्टी का, और बाकी के टाइम में हमारे को कोई याद नहीं करता। मीटिंग करे तो वो लोग बैठ के कर लेते, कोई हमारे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते पार्टी के अंदर, पार्टी के एक्टिविटीज में आपको याद नहीं करते, बिल्कुल याद नहीं करते। सिर्फ आवाम के लिए हमारे को याद करते, जब आवाम की जरूरत रहती हमारे को याद करते, वो छोड़े तो कुछ भी नहीं। इतने साल से मैं एक ही पार्टी में रहकर मैं काम कर रहा, बोले तो मेरा क्या फायदा है बोलो पार्टी के अंदर। मैं पार्टी वाले से क्या भी पूछ रहा हूँ, मेरे को एक रेस्पेक्ट होना है। मैं बहुत सारे काम करा हूँ, वो मैं बताना नहीं चाहता। अभी भी मैं रेगुलर करते जा रहा हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं, हमारे डिमांड्स भी बोलाना, मैं हमें उनको क्या करना, खाली हम वोट डलाना हमारा काम नहीं बनता। हमारे एरिया में क्या तकलीफ है बोलना, हमारे एरिया में आज हमारा वार्ड 25 साल हो गए हमारा वार्ड सिटी में आके, हमारा वार्ड डेवलपमेंट नहीं है, हम किसको पूछ रहा। और कांग्रेस वाले भी मेरे को बुला रहे और वो गैस वाले भी मेरे को बुला रहे, तो मेरा अब किधर जाना मैं देखता हूँ। मैं किसी के पास, मैं होके किसी के पास जाने, मैं किसी के से मैं मोहताज नहीं हूँ किसी के ऊपर। क्या सब मेरे को किसी से मेरे को जाना नहीं है। जो लोग आके मेरे को दावत दे के मेरे को बुलाते, मेरे को जो लोग सही रहते मैं उनके पीछे जाना हूँ, या नहीं तो मैं मेरे वोटर्स को लेके मैं जो आदमी सही दिखता मैं उसको वोट डलाने की ताकत रखता हूँ। जो सही बंदा जो रहता वो इंसान नहीं भी बुलाया तो मैं रुक के उनके लिए काम करता हूँ, बोल रहा ना। अब मैं कहाँ जाना, मैं मेरे वोटर से भी पूछता हूँ, मेरे एक से कुछ भी नहीं होता, मैं अकेला कुछ क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे वोटर से भी पूछता हूँ। मैं जब जाके मैं कोई जो देखते सब छोड़ना नहीं, मैं किसी से शिकायत करना नहीं चाहता हूँ। जितने भी दिन उन्होंने मेरे साथ थे मैं उनके साथ था, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी जितना भी रेस्पेक्ट मेरे को दिया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मेरे को मेरे रेस्पेक्ट नहीं दिए, नहीं दिया, मेरे वोटर्स किधर जाएंगे, वो जो मेरे पीछे जो उम्मीद लगा के जो वोटर्स बैठे मैं उनका कैसा, उनके लिए मैं क्या तो करना ना। एरिया में बहुत सारा काम है, हमारा वार्ड बहुत पीछे है, 35 वार्ड में हमारा वार्ड इंच पीछे है, वो वार्ड में स्पेशली मेरा एरमरस कैंप बहुत पीछे है। एरमरस इलेक्शन होने के बाद अच्छा काम करके हम JDS पार्टी को डिजाइन दिया है मेजबान इंडियन। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड।